वेलकम एक बार फिर तुहाडा सारा दा साडे एमकन इमीग्रेशन दे यूट्यूब चैनल दे उपर। मेरा नाम प्रतिपाल सिंह है, मैं मैंबर हाँ CICC दा। अज बड़ी इंपोर्टेंट गल करनी है टाइमलाइन नूं लैके, जिन्नियां भी एप्लीकेशनज इस टाइम ते लगियां होईयां ने अलग अलग कैटेगरीज दियां कैनेडा दे विच, उहनां दी टाइमलाइन की है। बहुत लोग बार बार इहदे बारे इनफॉर्मेशन पुछदे ने, स्टूडेंट्स, स्पाउसेस, विजिटर्स जिन्हां दी कोई परमानेंट रेजिडेंसी दी एप्लीकेशन लगी है, इवन नैनी दी जिन्हां दी एप्लीकेशन लगी है, इदां दे बहुत सारे एप्लीकेंट्स ने जिहड़े बार बार सब तों इनफॉर्मेशन पुछदे ने कि साडा काफ़ी लंबा वक्फा हो गया साडी एप्लीकेशन लगे नूं, ते होर किन्ना समां सानूं वेट करना पऊगा साडे रिजल्ट लई। इत्थे मैं एक गल दसां कि जिहड़े इमीग्रेशन मिनिस्टर ने कैनेडा दे शॉन फ्रेजर, उहनां ने 2-3 दिन पहलां पार्लियामेंट दे विच इक स्टेटमेंट दित्ती सी, जिथे उहनां ने कहा सीगा, जब बार बार उन्होंने क्वेश्चन ऑपोजिशन ने पूछा कि तुम बहुत देर तो यह गल कह रहे हो कि असी रुके हुई एप्लीकेशन के उपर बड़ी स्पीड में काम कर रहे हैं, पर काम कितने होंगे हुआ नज़र नहीं आता, एप्लीकेशन हले भी उन्होंने प्रोसैसिंग बहुत स्लो आ। तो उन्होंने एक बयान दिता सीगा कि असी ऑलरेडी ये उपर काफ़ी काम कर चुके हैं, 500 नवे वीजा ऑफिसर हायर कर चुके हैं, नवी टैक्नोलॉजी इंप्लीमेंट कर रहे हैं और बहुत बड़ा अमाउंट जिहड़ा वा उह स्पेंड करन जा रहे हैं, और उन्होंने कहा कि 2-3 महीने के इमीडिएट तुहानूं जिहड़े रिजल्ट्स आउंदे होए ने वह नज़र आउणगे। बहुत सारिया एप्लीकेशन जिहड़ी रुकिया हुई सीगियां अलग अलग कैटेगरीज दियां, उन्हां दी जिहड़ी प्रोसैसिंग आ तुहानूं तेज़ हुंदी हुई नज़र आऊगी। और मैं इत्थे तुहानूं दस्सां कि पिछले 4 दिनां तों लगातार साडे कोल जिहड़ियां साडियां जनवरी इनटेक दियां बहुत सारियां एप्लीकेशन रुकियां सीगियां स्टूडेंट्स दियां, इदां स्पाउजल ओपन वर्क परमिट दियां एप्लीकेशन जिन्हां दे विच 2020 दे एप्लीकेंट्स वी, और बिगनिंग ऑफ 2021 जनवरी ते फरवरी इहदे काफ़ी तेज़ी नाल रिजल्ट आए हैं। पिछले 4 दिनां च स्टूडेंट्स, स्पाउजल ओपन वर्क परमिट दी एप्लीकेशन ते विजिटर्स, ये 3 एप्लीकेशन दे उपर काफ़ी प्रोसैसिंग तेज़ हुई है। ओपन वर्क परमिट दी बहुत सारी एप्लीकेशन एक तो बाद एक बहुत सारी एप्लीकेशन दे उपर नवे डॉक्यूमेंट मंगे गए ने, मैडिकल रीएग्जामीनेशन दा दे बारे पुछा गया वा, ते उस तो अलावा वीजाज आए ने या होर कई तरह के डॉक्यूमेंटेशन बारे पूछा गया वा। नाल दी नाल स्टूडेंट्स दी बहुत सारिया जी एप्लीकेशन जनवरी इनटेक दियां उत्थे बहुत रिजल्ट्स स्पीड नाल आ रहे हैं, और एक गल होर दसा कि रिजल्ट्स भी काफ़ी पॉजिटिव आ रहे हैं। जिदा पहला आपां नूं काफ़ी रिफ्यूजल देखने को मिल रहे थे, मेरे को इहो जे एप्लीकेंट्स जिन्हां का बहुत लंबा पढ़ाई च गैप 7-7, 8-8 साल का, ईवन 8 साल नों ज़्यादा, अज ही साढ़े को 2 इहो जे एप्लीकेंट्स दे वीजाज आए ने जिन्हां का 8-8 साल तो ज़्यादा लंबा गैप सीगा। बड़ी चिंता सी क्योंकि पिछले जे इदां दी एप्लीकेशन दे उपर आम तौर पर रिफ्यूजल ज़्यादा देखने मिले थे। इदां ही 2018 पास आउट जिहड़े एप्लीकेशन एप्लीकेंट सीगे, 2019 पास आउट एप्लीकेंट सीगे, जिन्हां दे पहला प्रायर एक या 2 रिफ्यूजल सीगे, उन्हां दे भी जिहड़े पॉजिटिव रिजल्ट्स ने साडे कोल पिछले 4 दिनां च आए ने बड़ी स्पीड दे नाल। मैं इह गल स्टूडेंट्स दी भी कर रहा वां, मैं इह गल स्पाउजल ओपन वर्क परमिट दी भी कर रहा, और विजिटर दी एप्लीकेशन उपर भी जिथे पहले रुकिया हुई एप्लीकेशन उ भी रिजल्ट ने बड़ी तेजी क्विक आते हुए नजर आ रहे हैं। अगर यही पेस रही तो जो मिनिस्टर साहब ने गल कही सी, लगता मैंने अगले 2-3 महीने के काफ़ी जो पेंडिंग रिजल्ट ने वो तेजी आते हुए नजर आएंगे। PR के बड़े तरह के एप्लीकेंट्स ने जोड़े एक्सप्रैस एंट्री के काफ़ी जाइल जो 2020 लगिया हुई सगिया उ रिजल्ट रुके हुए थे बारे बड़ी इनफॉर्मेशन पूछी जाती है। इदा ही TR to PR जो एप्लीकेंट्स ने उन्होंने रिजल्ट नहीं आ रहे है, कुछ PNP दी होर एप्लीकेशन ने इन्हां ते भी रिजल्ट तुहानूं बड़ी क्विकली आउंदे हुए नज़र आउणगे। कुछ PR दी एप्लीकेशन दे उपर मैडिकल दोबारा तो मंगया गया वा, एक चंगी खबर, क्योंकि पिछले जे बहुत देर तो कुछ भी हिलजुल इन्हां एप्लीकेशन दे उपर नहीं हुई सीगी। मिनिस्टर साहब ने खुद कहा वा कि बाय मार्च ऑफ दिस ईयर, एंड ऑफ दिस मार्च, असीं 1.5 लाख दे करीब जिहड़ी PR दी एप्लीकेशन, जे हर तरह के लोग आउंदे ने, एक्सप्रैस एंट्री वाले भी ने, विदिन कैनेडा दे CEC च ने या आउटसाइड कैनेडा ने, जिहड़े TR to PR भी ने, इस तो अलावा कुछ PNP एप्लीकेशन भी ने, 5-5.5 लाख के करीब ये एप्लीकेशन का बैकलॉग आ, जिस उन्होंने कहा 1.5 लाख एप्लीकेशन असी बाय एंड ऑफ मार्च ही प्रोसैस करके उन्हें रिजल्ट दे देंगे। चंगी गुड न्यूज़ है सारे लिए कि बहुत तरह की एप्लीकेशन जिहड़ियां बड़े लंबे समय तो आप इंतजार कर रहे थे उन्होंने उपर हुण रिजल्ट आने शुरू हो गए हैं। आम तौर पर जो टाइमलाइन है इस टाइम के उपर वह 2-3 महीने की प्रोसैसिंग वो स्टूडेंट की फाइल में लग रही है, इस करके जब भी तुम कभी एप्लीकेशन लगाने स्टूडेंट की इन्ना क समा मन के चलो तुहानू लग सकता वा। इस तों अलावा विजिटर दी एप्लीकेशन उपर भी 2.25 महीने और 2.5 महीने का वक्फा लग रहा वा। कुछ एप्लीकेशन लंबे टाइम तो रुकिया हुई ने, पिछले अगस्त सितंबर तो रुकिया हुई ने, उन्हें रिजल्ट भी मैं लगता क्विकली तुहानू आते हुए नजर आएंगे। स्पाउसिस दी जिहड़ी एप्लीकेशन ने बड़े लंबे समय तो जिथे 8-8, 10-10 महीने भी हो गए एप्लीकेंट्स नूं, उत्थे भी
आम तौर पर जो वक्फा वो 8 महीने का हैगा वा, बट मैं लगता जिस हिसाब ना हुण उन्होंने पेस फड़ी है बहुत जल्दी आपां जिहड़ा टाइम लाइन है इंप्रूव होंदी हुई नज़र आऊगी। स्पाउस रूप में वर्क परमिट एप्लीकेशन से भी क्विकली तुहानू रिजल्ट्स, क्योंकि 2021 के हुण रिजल्ट्स आने शुरू हो गए हैं, जनवरी फरवरी के साडे कोल काफ़ी रिजल्ट्स आए हैं, बिगिनिंग ऑफ मार्च के भी आने शुरू हो गए हैं, इस करके इन एप्लीकेशन उपर भी बहुत क्विकली तुहानू रिजल्ट्स आते हुए नज़र आएंगे। नैनी के कुछ एप्लीकेंट्स बार बार पुछते हैं कि सानू 2 साल तो लंबा वक्फा हो गया एप्लीकेशन गया नूं उत्थे की हो रहा वा। नैनी के भी कुछ रिजल्ट्स लेटली आए ने जिथे डॉक्यूमेंटेशन की अपडेट मंगी गई है। नैनी के प्रोग्राम में वैसे भी 1 साल तो ज़्यादा लंबा वक्फा लगता सी आम तौर पर, पर क्योंकि कोविड की सिचुएशन करके ये एप्लीकेशन भी बैकलॉग में चली गई, पर मैं उम्मीद है कि इन्होंने उपर भी जो रिजल्ट हैं तुहानू क्विकली आते हुए नज़र आएंगे। इस तो अलावा होर भी कुछ कैटेगरीज है जिन्हों के रिजल्ट बहुत लंबे वक्फे तो रुके हुए हैं, उत्थे भी तुहानू जिहड़ी प्रोसैसिंग है इन्हां दी स्पीड तेजी नाल होंदी हुई नज़र आऊगी। चंगी गल है कि पिछले 1.5 महीने के अप्रोक्सीमेटली जिहड़ियां नंबर ऑफ एप्लीकेशन सीगियां बैकलॉग के उन्हां दा बहुत ज़्यादा वाधा नहीं होया, बहुत थोड़ियां जिहियां एप्लीकेशन का वाधा होया, जिथों आपां नूं इह पता लग रहा वा कि जिहड़ियां पुरानी एप्लीकेशन ने, हालांकि नंबर ऑफ एप्लीकेशन तो बहुत पाईआं गईआं होणगीआं, बट पुरानी एप्लीकेशन जिहड़ियां उन्हां दी प्रोसैसिंग फास्ट कर दित्ती हुण उन्हां ने, तो वो जो परसेंटेज वाइज है वह वाधा बहुत ही थोड़ा जहा वह कुछ 1000 एप्लीकेशन ही उस वाधिया हुई नज़र आई हैं। तो आप उम्मीद रखिए सारे जाने, चाहे स्टूडेंट्स ने, तुसी कोई PR की एप्लीकेशन है, स्पाउस ओपन वर्क परमिट की है या क्लोज वर्क परमिट की एप्लीकेशन आ, इस तो अलावा विजिटर की है, नैनी की है, इन्ह सारे उपर आप जी प्रोसैसिंग आप बहुत क्विक और जल्दी होंगी हुई नज़र आऊगी, जिदा इमीग्रेसन मिनिस्टर साहब ने गल कही और जिदा जो रिजल्ट पिछले 4 दिनों तो रेगूलरली आ रहे हैं। तुसी कोई आपकी एप्लीकेशन प्रोसैस करवाना चाहते हो स्टूडेंट की मेन इनटेक, साढ़े को हले भी कुछ जगह पर प्रोग्राम्स अवेलेबल ने, September 2022 इनटेक की बहुत सारे जगह पर कॉलेज यूनिवर्सिटीज़ एप्लीकेशन एक्सैप्ट कर रही ने। इस तो अलावा कोई थोड़ी स्पाउसल ओपन वर्क परमिट की एप्लीकेशन आ, कोई विजिटर वीज़ा की है, सुपर वीज़ा की है, कोई PR की एप्लीकेशन आ, कोई भी इनफॉर्मेशन लेना चाहते हो साढ़े फोन नंबर सामने डिस्प्ले हो रहे हैं और साढ़े प्रोग्राम इस प्रोग्राम के अंडर साढ़े एड्रेसिज है, साड़ी वैबसाइट mkimigration.com उत्थे जाके साडे एड्रेस चैक कर सकते हो। साड़ी प्रेजेंस फेसबुक पर भी है, असं इंस्टाग्राम पर भी हाँ और इस यूट्यूब अगर तुम हल तक सबसक्राइब नहीं किया तो मैं रिक्वेस्ट करूँगा एज क्विकली एज पॉसिबल सबसक्राइब करो, असं रेगूलरली जी इनफॉर्मेशन टाइम टू टाइम आँदी है कनाडा इमीग्रेशन लेके तुहाडे नाल सांझी करते रहने। थैंक यू, सत श्री अकाल सारे।